हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं टोट बैग पेंटिंग दिखाऊंगी, तो चलिए वीडियो के साथ शुरू करते हैं। मैं एक टोट बैग ले ली हूँ और डिस्पोजेबल फूड बॉक्स है, उसका लेड के हेल्प से ऐसे सर्कल बनाना है। जस्ट बैग की सेंटर में ऐसे मैंने सर्कल बना ली हूँ और उसके आउटसाइड में ऐसे छोटे छोटे कार्व लाइन बनाना है। इसका तो कोई मेज़रमेंट नहीं है, मैं ऐसे अंदाज में बनाई हूँ। आप भी थोड़ा कोशिश कीजिए, आपको पहले बैग के ऊपर डायरेक्ट नहीं आएगा तो आप एक पेपर में बना के फिर बैग के ऊपर भी बना सकते हैं। देखिए, ये मैं पेटल बनाने के लिए ही बनाई हूँ और इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से ऐसे पेटल के शेप देना है, देखिए ऐसे। और ये मुझे दूसरा पेंसिल यूज़ कर की तो वो बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि रफ़ सरफेस था, तो मैंने ये 10B का पेंसिल है अप्सरा का, ये आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बहुत आसानी से मैंने ड्रॉ कर लिया, बहुत स्मूथ चल रहा था ये बैग के ऊपर। देखिए ऐसे बीच में ना आइज़ बनाना है। मैं जो बनाने जा रही हूँ ना, ये लॉर्ड जगन्नाथ है। मेरे पास जो बैग है ये बहुत पुअर क्वालिटी की बैग है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कोई भी अच्छा क्वालिटी की बैग हो तभी उसके उसके ऊपर ही पेंट कीजिए। अभी देखिए, इसके अंदर एक थिक पेपर रख देना है और कलर को यूज़ करने से पहले अच्छे से शेक कर लेना है। अब देखिए, हमने दो सेंटर बनाई थी, जो सेंटर में है उसका आउटलाइन हमें येलो करना है और उसके बाहर जो आउटलाइन है उसको हमें ब्लैक करना है। और ये ब्रश डिटेल्स है ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए। अभी देखिए, जो सेंटर में सर्किल बनाया एकदम सेंटर में, उसको मैंने येलो किया और उसके आउटलाइन जो है उसको मैंने ब्लैक किया और इसके अंदर पूरा ब्लैक से हमें फिल करना है और बहुत केयरफुली हमें करना पड़ेगा क्योंकि ब्लैक है ना ऐसा कलर जो इधर उधर लग जाएगा तो बहुत ख़राब कर सकता है कपड़ा को। अब देखिए, ये आइज़, लिप, चिन और जो फोरहेड में तिलक रहता है ना वो पोर्शन छोड़ के पूरा ब्लैक करना है। आप कंफ्यूज मत होइए, चाहे तो आप वीडियो पॉज करते करते कीजिए, मैं थोड़ा फास्ट दिखाई हूँ वीडियो, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ये देखिए, मुझे भी कन्फ्यूज़न हो रहा था तो मैंने पहले लिप, चिन और आइज़ का जो पोर्शन है ना उसको मैंने कलर कर लिया, फिर बाद में ब्लैक किया, तो आप भी ऐसे कीजिए। अभी देखिए, ये जो आईबॉल है ना इसको छोड़ के बाकी का पोर्शन में हमें रेड करना है। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू है और आपको ऐसे वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप कि मैं आपको समझा पाई। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और उसका जवाब मैं देने की कोशिश करूँगी। और देखिए, ये पूरा ब्लैक कर लेना है और जो तिलक है ना उसका आउटलाइन मैंने येलो से कर ली हूँ और पूरा ब्लैक, बाकी का पूरा ब्लैक से फिल करना है। बहुत आराम से करना पड़ेगा, बहुत केयरफुली करना पड़ेगा इसको। अभी देखिए, जब ड्राई हो जाएगा ना ये पूरा फेस का जो पोर्शन है वो जब ही ड्राई हो जाएगा तब ही हम आगे का स्टेप कर सकते हैं, नहीं तो हाथ में पूरा कलर चिपक जाएगा और हाथ का कलर फिर बाकी का जगह में लग सकता है। अभी देखिए, जगन्नाथ जो है ना, लॉर्ड जगन्नाथ, उसके अंदर ज़्यादा करके येलो का कॉम्बिनेशन, ब्लैक, येलो और रेड का कॉम्बिनेशन रहता है, तो आप ये पेटल्स के अंदर ना येलो देंगे तो भी बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरे पास येलो कलर उतना नहीं था, ख़त्म हो रहा था तो मैंने ऑरेंज दिया। इसके पहले मैं एक कुर्ता के ऊपर भी पेंट किया, उसको भी आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप अपने रिलेटिव के लिए या घर में कोई भी मेंबर हो तो उसके लिए आप बना सकते हैं, वो भी बहुत आसान है बनाना, आप एक बार देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा वो भी। और देखिए, इसको अभी ऐसे डेकोरेट करना है, ऐसे डॉट 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 करके ऐसे डेकोरेट करना है, ऐसे देखिए। और ये जब पूरा ड्राई हो जाएगा ना उसके बाद आप डबल कोट कर लीजिए
डबल क्यों, मैं ट्रिपल भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे 3 4 बार से किया तभी ये डार्क दिख रहा है, नहीं तो ड्राई होने के बाद ना थोड़ा जो गैप गैप दिख रहा है ना वो अच्छा नहीं लगता है। मैंने भी ऐसे फिल किया बाद में, और देखिए पेटल्स के अंदर ऐसे छोटा छोटा डिज़ाइन है। ऐसे तो ये पेटल के साथ भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, आप ये आगे का डिज़ाइन आप स्किप भी कर सकते हैं चाहे तो, और अगर ब्रश ड्राई हो जाए ऐसे पेंटिंग करने वक्त तो थोड़ा थोड़ा पानी मिला लीजिए ब्रश में, ज़्यादा मत ले क्योंकि कलर स्प्रेड हो सकता है। आपकी थोड़ी सी पेशेंस और इमेजिनेशन ना एक सिंपल बैग को भी बहुत खूबसूरत बना सकता है, आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी देखिए ये जो गैप है ना इसमें मैं छोटे छोटे वर्क की हूँ, इसको करने से क्या और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसे देखिए ये बहुत सिंपल है, मैंने थोड़ा फास्ट दिखाया क्योंकि मेरा वीडियो बहुत लेंदी हो रहा था। यहाँ पे देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया है, लेकिन उसको मैंने जब भी पेंट करूँगी तभी वो मैनेज कर लूँगी। देखिए इसके अंदर जो है उसको येलो करना है, और उसका बाहर जो है ना वो आउटलाइन उसको ब्लैक से हमें करना है। ऐसे देखिए, और जो छोटे छोटे पत्तियां हैं ना छोटे छोटे वो भी मैंने ब्लैक से ही किया। आप कलर कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे ही कीजिए। और जो गैप है उसको एक बार लास्ट टच ज़रूर देना, क्योंकि नहीं तो वो गैप अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए ये आपका कंप्लीट। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे न्यू वीडियो लाती रहूँगी आपके लिए, तब तक बाय।